शिवराज सरकार चुनावी साल में जनता पर मेहरबान हो रही है। अब प्रदेश की 5,642 अवैध कॉलोनियों को 1 मई से वैध कर दिया जाएगा, जिससे इन कॉलोनियों में रहने वाले नागरिक बिजली व नल कनेक्शन के साथ अन्य अधिकारों के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियम सरल किए जाएंगे। चुनाव आते ही सीएम शिवराज अब एक्टिव हो गए हैं, आए दिन कोई ना कोई घोषणाएं कर रहे हैं। सीएम ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अवैध कॉलोनियों को लेकर अफसरों से कहा कि अब प्रदेश में कोई भी सूरत में अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, सभी अवैध निर्माणों को वैध करने का काम जल्द से जल्द पूरा करें और अवैध से वैध करने के नियमों को भी सरल करें। इस हिसाब से सरकार 5,642 अवैध कॉलोनियों को 1 मई तक वैध कर देगी, जिससे कॉलोनियों के रहवासियों को बिजली पानी से लेकर वो सभी अधिकार मिल जाएंगे जो आम नागरिकों को मिलते हैं। इसके साथ ही निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी विकास शुल्क में 80% की छूट होगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।